मित्रों, बड़े संकोच के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। मुझे विद्यालयों के 20 साल हो गए और इस 20 सालों में मेरे लड़के ने हाईकोर्ट जज की ओर की थी, उसके सिवा मैं दूसरी तमाम कभी हाईकोर्ट की इमारत में मैंने पैर नहीं रखा। संकोच के साथ इसलिए बोल रहा हूँ और मुझे शास्त्र पर बोलने के लिए कहा है, इसका कारण यही होगा कि नाम धर्माधिकारी और आपकी शेर शायरी चली। गुजरात में गया था, एक शेर सुना, अच्छा लगा आपसे कह दू। एक खता हम उम्र भर करते रहे, एक खता हम उम्र भर करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी, धूल तो चेहरे पर थी, लेकिन आईना साफ करते। आईना साफ करने से चेहरे पर की धूल नहीं जाती। मेरा दूसरा संकोच है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता था कि मैं अंधों के बाजार में आईने बेच रहा हूँ। मैं तो आउट ऑफ डेट हो गया। जिस देश में गांधी जी आउट ऑफ डेट हो गया, उसमें मेरा आउट ऑफ डेट गांधी गांधी था, गांधी नहीं था। कार्ल मार्क्स मार्क्स था, मार्क्सिस्ट नहीं था। बहुत अच्छा वाक्य नॉट नोइंग हाउ टू पनिश ग्रेट मेन फॉर देयर ग्रेटनेस, पेट पनिशेड देम बाय गिविंग डिसाइपल्स। तो शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी नहीं होता, उत्तर क्रिया का अधिकारी। इसलिए गांधी शब्द पर मत जाइए, किसी व्यक्ति के शब्द पर मत जाइए। कानून के क्षेत्र में मैं 3-4 बातें आपसे बहुत नम्रतापूर्वक कहने वाला हूं। मैं थोड़ा मानता हूं कि आज की जो कानून पद्धति हमने विरासत में अंग्रेजों से ली, जिसको एडवर्सरी जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, ये मेरे भारत की राम की नहीं, इसके कुछ भी स्वदेशी, इसकी भाषा स्वदेशी नहीं, इसका पोशाक स्वदेशी नहीं। एडवर्सरी जुडिशियल सिस्टम में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, जो डिफेंडेंट या रिस्पॉन्डेंट होता है वो केस लंबी खींचता है। एक पक्ष हमेशा विलंब चाहता है। हमारे विधर्मों में एक बहुत अच्छी कहावत है कि दो हेलों के टक्कर में कौन सा हेला जीतता है इसमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिस खेत में टक्कर होती है वो खेत का हमेशा खराबा होता है। इसलिए इस सिस्टम को मैं मेरे देश के लायक नहीं मानता। मैंने तो बहुत सा वकालत भी जल भी रहा। आपसे कही थी मैंने शंकराचार्य के केसेस इलेक्शन पिटीशन में चला था, इस देश के बाद में राष्ट्रपति बने थे उनकी भी केस चला था। सबने मेरे सामने आकर गीता पर हाथ रखकर सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा शपथ ली, और बहुत नम्रतापूर्वक आपकी आपकी वेदना मेरी आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस देश में 100% सच बोलने वाला गवाहदार आज तक नहीं देखा। आपके बीच कोई होगा तो हाथ ऊपर कर दे, मैं उसको म्यूजियम में ले जाके रखना। मेरे नातियों को दिखा होगा कैसे भी बेवकूफ हुआ करते। मैं आपसे पूछूंगा, मैं हाईकोर्ट जज बना, तो विनोबा जी ने का आशीर्वाद देने गया था तो उन्होंने कहा था कि न्यायमूर्ति तो नरक में जाता है। मैंने कहा मुझे कोई हर्ष नहीं है नरक में जाने, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वही हुए। स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कहते? तो कहे झूठी कहो। तब उन्होंने मुझे कहा झूठे गवाह, झूठे कागजात,
इनके भरोसे तुम न्याय करके ऐसा तुम्हारा दम्भ होगा तो बहुत गलत है। तुम निर्णय दे देते हो, जजमेंट हो जाता है, लेकिन न्याय होता। फिर कहा कि इसके बावजूद भी न्याय करते होंगे तो तनख्वाह पाते हो, कोई पुण्य नहीं है। अन्याय होता होगा तो नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो अपनी जगह चुन ली। मुझे आपसे एक सवाल बहुत बुनियादी पूछना चाहता हूँ। आप सचमुच कानून का राज चाहते हैं? मेरे लिए बहुत बुनियादी सवाल है। मैं विद्यार्थी आंदोलन में रहा, मजदूर आंदोलन में रहा, आज भी 25 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ, सचमुच आप कानून का राज चाहते हैं? विद्यार्थी आंदोलन के बाद वकालत बनी शुरू की, मेरे एक दोस्त थे उन्होंने पटना में शुरू किया, वो मुझे मिलने आए। आने के बाद उसके फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अरवाई करीब 15 साल हो गए तुम नागपुर में वकालत करते हो, व्हाट इज योर स्टेटस एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी। मैंने कहा इसका कोई नाम नहीं, कोई टेम नहीं, कोई थर्मामीटर तो है नहीं, कह सका। इसलिए उनको मैंने पूछा कि पटना में तुम्हारी इज्जत नहीं है, व्हाट इज योर स्टेटस। वो भी रुके 2 मिनट, पर बाद में कहा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कह सकता हूँ कि मेरी मोटर में कि लाइट वही होगी, लाइट अगर खराब भी हो गई और फिर भी मैं रात भर पटना घूम के आया तो कोई पुलिस वाला मुझे नहीं पकड़ेगा, इतना मेरा स्टेटस है। आप कहना चाहता हूँ योर कैपेसिटी टू ब्रेक लॉ अलोन डिसाइड योर डिग्निटी इन द सोसाइटी। आप कानून का राज चाहते? कानून तो आम रास्ते से आता है, हम तो बनी हुए घूमते। मुझे एक शब्द इसलिए दिया गया ज्यादा पसंद है क्योंकि तो आचार संहिता आदमी खुद अडॉप्ट करता है, उसको पालने की कोशिश करता है। कानून तो हमेशा ढूंढने की कोशिश होती है। अब कानून का राज चाहते हैं कि यह बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता था। किसकी बात, हम न्याय भी नहीं चाहते। हमारी तरफ का निर्णय हुआ तो न्याय होता है, हमारे खिलाफ गया कि अन्याय होता है। इतनी सादी आपकी सिंपल जस्टिस की व्याख्या है और यही आप चाहते, इससे ज्यादा आप नहीं चाहते। मेरे देश की नीति के लिए कहती थी कि अपने लिए न्याय की मांग करो, दूसरों के लिए क्षमा और करुणा की मांग करो। अब उल्टा करते, हमारे लिए क्षमा चाहते, दूसरों के लिए न्याय चाहते, उसके खिलाफ निर्णय हो ये चाहते। तीसरा वाक्य आपको कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आया। वाक्य ऐसा है कि एवरी मैन हैज गॉट हिज ओन प्राइस, मेरे देश का तो वाक्य नहीं है। सच है हर इंसान की कीमत होती है। रामटेक कॉन्फ्रेंस में जब महात्मा गांधी गए, पोशाक का पूरा कोट था, सूट बूट लेकर, उसने लिखा कि मैं जिस कपड़े में रहता हूँ, जिसको चर्चिल साहब लंगूटी कहते हैं, उसी में आऊँगा। उसी में गए, आपको ताजुब होगा बदन पर जो शाल थी वो भी सिली हुई थी, साथ में जो लड़की थी उसने अपने धागे से सी थी। सवाल पूछा गया कि इसके पास तो कुछ भी नहीं, भुक्कड़ आदमी, पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, शस्त्र नहीं, सत्ता नहीं, इसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज किया। वहां का एक लॉर्ड मणिकर के फिलोसफर था, उसने जवाब दिया इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, इसका कारण ये कि ही इज ए मैन हू गन्स कैन नॉट फाइट, ही इज ए मैन हू मनी कैन नॉट बाय, एंड ही इज ए मैन No women can see. और बात में कहा ऐसा 100 उम्री अगर चरित्रवान आदमी होगा तो उसके सामने अंग्रेज के सारे शस्त्र संपत्ति, बाकी संपत्ति और साम्राज्य झूठे हो जाते हैं। ये नीति की भूल थी। विवेकानंद शिकागो में सुबह घूमने गए, उनका वही लिबास था, सिला हुआ नहीं था, एक भी कपड़ा सिला हुआ नहीं था। एक कपल जा रहा था घूमते, उसके मैडम ने कहा उसमें से अपनी पत्नी को
He doesn't look like a gentleman. Okay, but ऐसे थे विवेकानंद जी ने सुना आगे गए थे पीछे आए और मैडम से कहा कि मैडम इन योर कंट्री टेलर मेक्स द जेंटलमैन इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स द बहुत छोटी चीज मैं आपसे बहुत बड़ी चीज नहीं कहने वाला नॉर्मलिटीज कैसे बदल गई यहाँ अखबार वाले होंगे वो जानते हैं न्यूज किसकी होंगी विच इज अनकॉमन इवेंट अनकॉमन इवेंट की न्यूज होती जो छपती जैसे मैं रेजिमेंट पॉइंट से यहाँ कार में अपने जिंदा पहुंच गया कोई न्यूज नहीं गड़बड़ी हो जाती तो नहीं सात दिन पहले मैंने बंबई के अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज तो पढ़ी एक महिला की पर्स वो भूल गई थी बस किसी प्रोफेसर को मिली उन्होंने बिचारों ने ले जाकर पुलिस में पहुंचाई पुलिस वालों ने उसका पता लगा था उसमें 2000 रुपये थे वो पैसे उस महिला के घर पे पहुंचा दी खबर छपी थी पुलिस वाले की ईमानदारी आपने कभी सोचा था कि धार्मिक और आध्यात्मिक देश में ईमानदारी की खबरें छपती आपने कभी सोचा था कि चरित्र की इन खबरें छपती मास्टर अच्छा सिखाता है तो इसलिए टीचर को अवार्ड मिलेगा हर टीचर तो अच्छा ही सिखाता होगा सिखाने के तरह मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है कि आपने मेरे देश की सारी नॉर्मेलिटी बदल डाली ऑनेस्टी और नॉर्मेलिटी नहीं है डिसऑनेस्टी नॉर्मेलिटी है खबर खबर सदाचार की छपती है भ्रष्टाचार तो नॉर्मेलिटी हो गया और आप सब लोग और इसलिए हमारे कोई शरीक नहीं आपको मालूम है खलील गिब्रान ने एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा कि झाड़ का कोई भी पत्ता तब तक पीला पड़कर नीचे नहीं गिरता जब तक पूरे झाड़ की मुख सम्मति नहीं होती और आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में एक भी खून एक भी बलात्कार और एक भी भ्रष्टाचार तब तक नहीं होता जब तक सारे समाज की मुख सम्मति नहीं होती